Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. Today we are going to see the last chapter of our English book and it is chapter 19 and the title of the chapter is The Supreme Sacrifice. तो टाइटल जो है आपका इसका हिंदी मतलब हुआ सुप्रीम सेक्रीफाइस अर्थात सबसे बड़ा त्याग या बलिदान. ठीक है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग या बलिदान. ओके, तो इंट्रोडक्शन हम इसका पढ़ लेते हैं. You might have heard about the sacrifice and dedication of the people for their near and dear ones. Let's read the chapter to know about the supreme sacrifice made by the great Mughal Emperor Babur for his son Humayun. तो आपने सुना होगा बहुत बार कि लोगों ने बड़े बड़े बलिदान किए अपने लोगों के लिए, बहुत सारे त्याग किए, बहुत सी चीज़ों को त्याग किया अपने लोगों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए. ऐसी एक स्टोरी जिसमें हम पढ़ेंगे जो मुग़ल सम्राट बाबर था उसने अपने बेटे हुमायूं के लिए जो बड़ा त्याग किया उसके बारे में हम इसमें जानेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया. हुमायूं वॉज हिज ओनली सन. बाबर जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक था जिसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की. हुमायूं उसका केवल एक ही बेटा था. ही वॉज वेरी डियर टू बाबर. वो बाबर को काफ़ी प्रिय था. बाबर लव्ड हिम मोर देन हिज ओन लाइफ. बाबर जो है उसको अपने जान से भी ज़्यादा प्रेम करता था. वंस हुमायूं फेल सीरियसली इल. बाबर समन ऑल द डॉक्टर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट. एक बार क्या हुआ, हुमायूं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ. बाबर ने अपने दरबार के सभी वैद्यों को, डॉक्टर्स को बुलवाया. डॉक्टर्स होते नहीं थे उस समय, वैद्य होते थे. दे ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन बट कुड नॉट क्योर हिम. उन सभी ने हर तरह की दवाई का उपयोग किया लेकिन उसे ठीक नहीं कर पाए. एवरीबडी गेव अप ऑल होप ऑफ हिज सभी ने उसके ठीक होने की जो है सारी उम्मीदें जो है त्याग दी थी. उनको नहीं लग रहा था कि कुछ इसमें सुधार आएगा. वन डे बाबर वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिज बेड. द बेगम, द मिनिस्टर्स एंड द रॉयल अटेंडेंट्स वर ऑल प्रेजेंट देयर. एक दिन क्या हुआ, बाबर जो है उसके बेड के बगल में खड़ा हुआ था. बेगम भी थी, मिनिस्टर थे और जो भी राजदरबारी होते हैं, मेन मेन जो लोग थे इम्पोर्टेंट, वो लोग भी प्रेजेंट थे. टीयर्स वर रोलिंग डाउन फ्रॉम देयर आइज. और उनके सभी की आँखों से आंसू गिर रहे थे. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बाबर होगा और ये उनके कर्टियर्स होंगे और ये बेगम. ठीक है, और ये हुमायूं बिस्तर पर लेटा हुआ है. माई लॉर्ड सेव हुमायूंस लाइफ एट एनी कॉस्ट. विथ टीयरिंग आइज द बेगम इम्प्लोर्ड टू द एम्परर. और आंसुओं से भरी हुई आंखें लेकर, आंखों में आंसू आते हैं और बेगम कहती हैं कि हे भगवान, किसी तरह जो है हुमायूं की जान को बचा लीजिए. रिक्वेस्ट करती गॉड से वो कि किसी भी कीमत पर उसे बचाइए. बाबर स्टूड साइलेंट. ही नेव नथिंग वॉट टू डू. बाबर वहीं खड़ा हुआ था, उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं. सेव माई सन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ. द बेगम सेड अगेन इन बिटवीन सॉब्स. और सिसकते हुए उसने फिर से एक बार कहा कि मृत्यु के इस मृत्यु के पंजों से जो है उसे किसी तरह से बचाइए मेरे बेटे को. नेक्स्ट पेज देखते हैं. बाबर स्टूड हेल्पलेसली मोर्निंग इन ग्रीफ. ओ अल्लाह, हाउ हेल्पलेस आई एम. आई कॉन्ट सेव इवन माई ओन सन. बाबर जो है वहाँ मजबूर होकर खड़ा है, कुछ नहीं कर सकता और दुख व्यक्त करते हुए कहता है, ओ अल्लाह, मैं कितना मजबूर हूँ, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता. आई कॉन्ट सेव माई ओन फ्लैश, माई ओन ब्लड. ही क्राइड इन ग्रेट पेन. और दर्द के मारे वो कहता है कि मैं अपने खुद के खून को, जो मेरा खुद का खून है, उसे नहीं बचा सकता. मीन वाइल द पैलेस मैसेंजर केम इन एंड अनाउंस द अराइवल ऑफ द रॉयल डॉक्टर. तभी क्या हुआ, पैलेस का एक मैसेंजर, एक दूत जो है वो आया और उसने बताया कि जो रॉयल डॉक्टर है, राज दरबार का जो डॉक्टर है, जो राजाओं के डॉक्टर होते थे, तो वो जो है आए हैं. बाबर आस्क्ड हिम टू सेंड द डॉक्टर इन. बाबर ने उसे कहा कि डॉक्टर को अंदर भेजे. सून द डॉक्टर केम इन टू द रूम एंड बोव्ड टू द एम्परर. बाबर नेल्ट बिफोर हिम प्लीडिंग. ओ लाइफ गिवर, प्लीज़ सेव माई सन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ. वो जब राजवैद्य आया तो राजा के सामने उसने झुककर उन्हें नमस्कार किया.
बाबर उनके सामने घुटनों पर आकर विनती करने लगा कि हे जीवन देने वाले, प्लीज़ जो है मेरे बेटे को मृत्यु के हाथों से बचाइए। द डॉक्टर वॉज बैफल्ड, ही बेंड डाउन एंड रेज द एम्परर टू हिज फीट। डॉक्टर जो है कन्फ्यूज था और वो जो है वो भी झुका, जब उसने ऐसी हालत देखी तो वो जो है चकित रह गया और उसने जो है राजा को, जो कि उसके घुटनों के पास बैठा था, उसको उठाया। उसने कहा, ओ माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम हम्बल सर्वेंट ऑफ योर्स। उसने कहा, हे भगवान, मैं तो आपका एक सेवक हूँ। आई प्रोमिस टू डू एवरी थिंग बट टू ग्रांट लाइफ इज़ इन अल्लाह हैंड। कहता, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं अपना हर संभव प्रयास करूँगा, लेकिन किसी को जीवन देना ये अल्लाह के हाथों में है, भगवान के हाथों में। हैव फेथ इन हिम, ही इज़ रहीम, ही इज़ करीम, द काइंड एंड द मर्सीफुल। उसने कहा, उस पर विश्वास रखिए, ठीक है, वह रहीम है, वह करीम है और वो दयालु और मर्सीफुल है, दया रखने वाला। ओ माई लॉर्ड, बेग फॉर हिज मर्सी बिकॉज इट इज़ ओनली ही हु कैन डू समथिंग। वो कहता है, हे भगवान, बेग फॉर हिज मर्सी बिकॉज इट इज़ ओनली ही हु कैन डू समथिंग। उसने कहा, आप जो है ईश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि वही इस समय है जो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आई कैन ओनली एग्जामिन द प्रिंस एंड डायग्नोज ऑल द डिसीज। वो कहता है कि मैं केवल जो राजकुमार है उसकी जांच कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि उसे क्या बीमारी है। द डॉक्टर फेल्ड टू माई पल्स, ही एग्जामिन द क्लोज आईलिड्स, ही ट्राई टू ओपन हिज माउथ टू बट इट वॉज सेट अगेन। डॉक्टर ने हुमायूं की पल्स देखी, उसके नब्ज उसका परीक्षण किया, आँखें उसकी खोली और उसका मुंह खोलने का प्रयास किया, लेकिन वो बंद था। ही अनबटन्ड हुमायूं शर्ट एंड अप्लाइड अ स्ट्रॉन्ग पोशन टू हिज चेस्ट। स्लोली द प्रिंस ओपन हिज आइज बट ही डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ रिकॉग्निशन। राइट, उसने क्या किया, डॉक्टर ने उसका शर्ट का बटन खोला और एक स्ट्रॉन्ग पोशन, कोई मिक्सचर लिया हो तो मल्लम जैसा, वो उसने छाती पर लगाया। धीरे से उसने आंखें तो खोली, लेकिन अभी भी कोई रिकॉग्निशन, मतलब लोगों को पहचान नहीं रहा था, ऐसा कुछ साइन नहीं दिख रहा था जो सबको पहचान रहा था। लुक एट योर मदर प्रिंस, लुक योर फादर इज ईगरली वेटिंग टू हियर अब्बा फ्रॉम यू। उसने कहा कि राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हें सुनने के लिए कितने आतुर हैं, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि तुम कुछ बोलो। डोंट यू रिकॉग्नाइज योर मदर सिटिंग बिसाइड यू। क्या तुम, द बेगम सैट बिटवीन सॉप्स, जो बगल में ही बेगम बैठी हुई थी उसने कहा कि क्या तुम अपने बगल में बैठी हुई अपनी माँ को भी नहीं पहचान रहे हो। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, हुमायूं केप्ट लुकिंग इन वैक्यूम एट द सीलिंग। लेकिन हुमायूं ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो सीलिंग छत की ओर चुपचाप देखता रहा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है, ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। द डॉक्टर ओपन अनदर बॉटल एंड पोर्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन इनटू हुमायूं पार्टेड लिप्स। डॉक्टर ने तब क्या किया, जो उसके पास दूसरी एक बॉटल थी शीशी जिसमें दवाई रखते हैं, उसकी कुछ दवाई निकाल कर हुमायूं के दोनों होठों पर डाला। बट इट डिड नॉट गो इन, लेकिन वो अंदर नहीं गई। द ड्रॉप्स फ्लोड आउट, वो बूंदें बाहर गिर गई। द डॉक्टर वॉज बैफल्ड अगेन, वो कन्फ्यूज था डॉक्टर, चकित था। ही टर्न टू बाबर एंड सेड, ही हैज़ नॉट निबल्ड द मेडिसिन, आई एम श्योर हिज थ्रोट इज सोलन एंड क्लॉग्ड। उसने कहा कि बाबर से, उसने कहा कि उसने जो है दवाई का एक भी जो हिस्सा था वो उसके मुंह में नहीं गया, मुझे ऐसा लग रहा कि जो उसका गला है वो क्या हो गया, उसमें स्वेलिंग आ गई और वो जाम हो गया है। ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड रोट डाउन द नेम्स ऑफ सम मोर मेडिसिन। तब उसने एक पेपर लिया और कुछ और दवाइयों के नाम लिखे। हैंडलिंग द पेपर ओवर टू द बाबर, ही सेड, माई लॉर्ड, आई कैन ओनली प्रिस्क्राइब दिस पोशन फॉर द पेशेंट। वो पर्चा उन्होंने बाबर को दिया और कहा, हे भगवान, मैं जो है केवल ये चीज़ें ही पेशेंट को दे सकता हूँ, प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। मतलब उसने कहा, मैं केवल ये दवाइयों को ही दे सकता हूँ इसे, बाकी फिर जीवन तो ऊपर वाले के हाथ में है। Kindly try them, may Allah cure him. कहते हैं वो राजवैद्य ने कहा कि कृपया इन दवाइयों को ट्राई करिए, दीजिए इन्हें, और वो दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है उसे ठीक करें। The doctor sadly left the palace in agony.
डॉक्टर जो है वहाँ से चुपचाप वो चला जाता है, दुखित बेचारा, ठीक है, चिंतित, अगौनी मतलब चिंता के साथ। बाबर पास द प्रिस्क्रिप्शन ऑन टू द चीफ मिनिस्टर। मीन वाइल वन ऑफ द कोर्ट प्रीस्ट हैड एंटर द रूम। बाबर ने उस पर्चे को अपने चीफ मिनिस्टर को दिया दवा लाने के लिए। तभी एक कोर्ट के प्रीस्ट जो हैं, पुजारी जो हैं, एंटर किए रूम में। ही बोव्ड लो एंड सैड, माई लॉर्ड काइंडली ऑफर टू अल्लाह वॉट एवर इज डियरेस्ट टू यू। तब उन्होंने कहा कि महाराज, जो आपको सबसे प्रिय है उसे आप क्या करिए, अल्लाह को ऑफर कर दीजिए, ठीक है। आई एम श्योर ही वुड बी काइंड इनफ टू गिव यू टू गिव हिम आई न्यू लीज ऑफ लाइफ। और मुझे यकीन है कि वो जो है आपके हुमायूं को नया जीवन ज़रूर देंगे ऐसा करने को। शुड आई रिनाउंस माई वेल्थ एंड माई किंगडम, आज द एम्परर। तब बाबर ने कहा कि क्या मैं अपना सारा राज्य और अपनी सब कुछ संपत्ति को त्याग दूँ। इट्स ऑन टू यू डिसाइड माई लॉर्ड, सेड द प्रिस्ट। प्रिस्ट ने कहा ये आपके ऊपर है महाराज, आप डिसाइड करिए। इट इज़ हुमायूं हु इज़ डियरेस्ट टू माई हार्ट, बाबर रिप्लाइड। तब बाबर ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय तो मेरा बेटा हुमायूं ही है। नो डाउट हाउ एवर योर मेजेस्टी वुड नॉट हेजिटेट टू ऑफर समथिंग इक्वली डियर टू अल्लाह, द प्रीस्ट हम्बली सेड। उसने कहा, प्रीस्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं सर, इसमें कोई संदेह नहीं महाराज, और आप जो है योर मेजेस्टी वुड नॉट हेजिटेट टू ऑफर समथिंग इक्वली डियर टू अल्लाह। आप जो है जो चीज़ मतलब महंगी से महंगी चीज़ भी आप अल्लाह को ऑफर करने के लिए आप कभी मना नहीं कर सकते हैं। इट्स माय ओन लाइफ दैट आई लव मोस्ट, बाबर सेड विद अ ट्रम्फेंट स्माइल ऑन हिज फेस। तो उसने कहा कि मैं खुद को जो है, मेरे जो खुद का जीवन है इसे भी जो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसे मुझे प्रेम है, हंसते हुए उसने कहा। ही एडवांस सैट इन प्रेयर एंड प्रेड, आई जहीर उद्दीन बाबू डू हेयर बाय ऑफर माई ओन लाइफ टू अल्लाह अलमाइटी टू सेव माई डियरेस्ट सन हुमायूं। और उसने प्रे किया कि मैं जो है बाबर ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बेटे की जान बचाने के लिए आप मेरी जान जो है ले लीजिए। लेट मी डाई एंड लेट हुमायूं रिकवर इंस्टेड, मुझे जो है मरने दें और उसके बजाय मेरे बेटे को रिकवर करें, मतलब वो उसमें फिर से जान आए। मे आई डाई एंड मे हुमायूं लिव फॉर एवर, वो कहते हैं हुमायूं की जगह मुझे मौत आए। As he finished his prayer, he slowly laid down on the mat. जैसे उसने प्रेयर ख़त्म किया वो धीरे से क्या हुआ, मैट पर लेट गया। The anguished begum cried, no, no, my lord, you cannot die. Let Almighty take my life and save Humayun. He needs your patronage. तभी वहाँ उसने बेगम ने देखा और वो चिल्लाने लगी, वो कहती है नहीं नहीं महाराज, आप नहीं मर सकते हैं। वो कहती है ईश्वर से कि ऊपर वाला जो है मेरा जीवन ले ले और हुमायूं को बचाए, उसे जो है आपका संरक्षण जरूरी है, मतलब आपका होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नो बेगम, आई मस्ट कीप अप माई वर्ड्स, आई मस्ट डिफीट डेथ, आई हैव लिव्ड अ ब्रेव लाइफ ऑफ माई ओन, नाउ लेट मी डाई अ ब्रेव डेथ फॉर माई सन। उसने कहा नहीं बेगम, मुझे जो है अपने शब्द जो है रखने होंगे, मतलब मुझे अपना वादा पूरा करना होगा और मुझे डेथ को डिफीट करना होगा, मृत्यु को हराना होगा। मैं जो है अपना जीवन बहादुरों की तरह जिया, अपने शर्तों पर जिया, अब मैं बहादुरों की तरह अपने बेटे के लिए मरना चाहता हूँ। एज बाबर मटर्ड दीज वर्ड्स हिज आइज क्लोज डाउन एंड ही फेल फेंट एंड डिजी ड्यू टू पेन इन हिज चेस्ट। जैसे ही वो ये शब्द कह रहा था उसकी आँखें बंद हुई, उसे कुछ धुंधलापन महसूस हुआ, छाती में उसके दर्द महसूस हुआ। ओ अल्लाह अलमाइटी, विस्पर्ड बाबर अगेन विद अ ब्रेव स्माइल ऑन हिज लिप्स एज हिज आइज क्लोज। और जब वो अपनी आँखें बंद कर रहा था तो उसने अल्लाह का नाम लिया फिर से। एट द सेम टाइम हुमायूं रिगेन हिज सेंस एंड शोड साइन ऑफ रिकवरी। और उसी समय जब उसकी आँखें बंद हुई उसी समय हुमायूं जो है वो रिकवर धीरे धीरे उसने करना शुरू किया, उसमें ज़्यादा एक्टिवनेस आना शुरू हुई। ठीक, तो यहाँ पर ही चैप्टर आपका कम्प्लीट होता है। इस तरह से बाबर ने अपनी जान देकर अपने बेटे को बचाया, ठीक है, जो उसको सबसे अधिक प्रिय था।
इसके बाद ये वर्ड्स मीनिंग आपको सभी लिखनी है, राइट। इसको एक बार देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट भी करना है आपको फेयर कॉपी में, राइट। इसके बाद एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन आंसर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे या फिर अभी इनको डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज़ में आपका पहला है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, तो ये आपका हो जाएगा बाबर, ठीक है, फर्स्ट का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें हु फेल सीरियसली इल, इट्स हुमायूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर टू ग्रांट लाइफ इज इन, लास्ट हैंड बोल रहा है वो, ठीक है। फिर हु वॉज डियरेस्ट टू बाबर हर्ट, ये हुमायूं हो जाएगा, ठीक है। हु सेक्रीफाइज हिज हर लाइफ टू सेव हुमायूं लाइफ, तो इसमें बाबर ने किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्रू फॉल्स है, तो बाबर लव्ड हुमायूं मोर देन हिज लाइफ, यस करेक्ट। द रॉयल मैसेंजर अनाउंस द अराइवल ऑफ द रॉयल प्रीस्ट, यस करेक्ट। द डॉक्टर्स ट्राइड ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन बट कुड नॉट क्योर हुमायूं, ये भी सही है। बाबर पनिश द डॉक्टर फॉर नॉट सेविंग हुमायूं लाइफ, ये फॉल्स है। बाबर सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हुमायूं, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो एक ही नंबर फोर फॉल्स है, बाकी सभी ट्रू हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फर्स्ट है बाबर ऑल डॉक्टर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट, तो बाबर समवंड हो जाएगा इसमें, ये वाला आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, समवंड, ठीक है, समवंड मतलब होता है बुलाना, ठीक। सेकेंड है बाबर स्टूड हेल्पलेसली मोर्निंग इन ग्रीफ, ये आपको हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। फिर बट टू ग्रांट लाइफ इज इन अल्लाह हैंड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। फिर स्लोली द प्रेस्ट ओपन हिज आइज, प्रिंस ओपन हिज आइज बट ही डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन, ये आपका हो जाएगा ये वाला नंबर फोर, ठीक। फिर एज ही फिनिश हिज प्रेयर ही स्लोली ले डाउन, ये आपका हो जाएगा नंबर फिफ्थ, ठीक है। हुमायूं रिगेन, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा रीगेन, ठीक है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, इनको आप फिल कर लीजिए अपने बुक में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर्स की, तो ये आपको खुद से इसमें ढूंढ कर लिखने हैं, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबर, ठीक है। यहाँ आप हु की जगह बस बाबर लिख दीजिएगा, बाकी आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। पूरा लिखना है, हु की जगह बाबर करिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु वॉज हुमायूं, वॉट हैड हैपन टू हिम, ठीक है। तो इसमें आप आंसर क्या होगा, इसमें आज लिखेंगे, यहाँ पर मैं टिक करवा देता हूँ, ठीक है, ये आपका आंसर रहा सेकेंड नंबर, यहाँ से। हुमायूं वॉज हिज ओनली सन, ही वॉज, यहाँ पर हिज की जगह लिख दीजिएगा बाबर, ठीक है, बी ए यू बी आर, बाबर्स। हुमायूं वॉज बाबर्स ओनली सन, ही वॉज वेरी डियर टू बाबर, बाबर लव्ड हिम मोर देन हिज लाइफ, वंस हुमायूं फेल सीरियसली इल, ठीक है, यहाँ तक, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, राइट। इसे आप बुक में अपने मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, वाई डिड द डॉक्टर से दैट हुमायूं थ्रोट वॉज सोलन एंड क्लोग्ड, तो इसका अपन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से आपको करना नंबर थर्ड नंबर, ठीक है। द डॉक्टर ओपन अनदर बॉटल एंड पोर्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन इनटू हुमायूं पार्टेड लिप्स बट इट डिड नॉट गो इन, द ड्रॉप्स फ्लोड आउट, ठीक है। द डॉक्टर वॉज बेफल्ड, ही टर्न टू बाबर एंड सेड, ही हैज नॉट निबल्ड द मेडिसिन, आई एम श्योर हिज थ्रोट इज सोलन एंड क्लोग, ये आपको यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर फोर,
वॉट डिड द बेगम इम्प्लोर टू द एम्परर। ठीक है, इसको आप टिक करिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर यहीं कहीं होना चाहिए। ये रहा यहाँ से, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माई लॉर्ड सेव हुमायूंस लाइफ एट एनी कॉस्ट विथ टीयरिंग आईज द बेगम इम्प्लोर टू द एम्परर। ठीक है, तो आप इसका आंसर इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, द बेगम इम्प्लोर टू द एम्परर टू सेव हुमायूंस लाइफ एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्या इसका आप आंसर लिख सकते हैं, लिखिए इसका, बेगम इम्प्लोर टू द एम्परर टू सेव हुमायूंस लाइफ एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ये, नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 आंसर है ये आपका, राइट, नंबर 4 से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट प्रॉमिस डिड द डॉक्टर मेक टू बाबर। ठीक है, इसका देख लेते हैं हम आंसर। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रॉमिस डिड द डॉक्टर मेक टू बाबर। ठीक है, तो इसमें द डॉक्टर मेड अ प्रॉमिस टू डू एवरीथिंग। ठीक है, फॉर हुमायूं। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है, द डॉक्टर मेड अ प्रॉमिस टू डू एवरीथिंग फॉर हुमायूं। ये आपका नंबर 5 हो जाएगा। मिस स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ लास्ट में समझ नहीं आ रहा, HUMAYU। ठीक है, YUN है इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द डॉक्टर लीव द रूम इन अगोनी। ठीक है, इसका आंसर भी यही मिलेगा आपको, लेट मी चेक। चलिए, इसका आंसर मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, आप लिखे द डॉक्टर ट्राइड हिज मेडिसिन बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट। So, doctor left the room in agony. ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर, आप इसको पॉज करके आंसर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर आपको कंप्लीट होता है। ठीक है, और बुक भी आपकी कंप्लीट होती है, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अब कुछ और यदि स्पेशल होगा तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है।
जो जो आपको पढ़ाया गया है, जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं एग्ज़ाम में, केवल वही ही आएंगे, ठीक है। जो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई वो आपको नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।